वार्ड नंबर 3 की निगम पार्षद नेहा मिश्रा व वार्ड नंबर 2 के निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज का नरेला के जनता फ्लैट पॉकेट 1 की जनता ने स्वागत किया है। जी हां, निगम चुनाव जीतने के बाद अपने इलाके की समस्याओं को लेकर वहां पर निगम पार्षद को बुलवाया था। स्वागत के दौरान ही स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएँ भी निगम पार्षद को बताई। वहीं निगम पार्षद ने भी वादा किया है जल्द से जल्द सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। जितनी भी समस्याएं हैं शपथ लेने के बाद सभी का समाधान किया जाएगा। जितने विश्वास के साथ जनता ने उन्हें जिताया है उस विश्वास पर वो अटल उतरेंगे और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि सारी नालियां भरी हुई है, पार्कों की हालात आपकी नजर के सामने है, मेन जो गेट है तो भी आपने आए होंगे तो आपकी नजर के सामने है और चारों बगल की बाउंड्रिया टूटी हुई है। इससे पहले हमारे विधायक जी आए थे तो उसने बोले थे कि 2.5 महीने के अंदर हम आपको पूरा काम कर देंगे, लेकिन हमारे विधायक जी अभी तक काम नहीं किए हैं और मुझे उम्मीद है कि 2023 में हमें उम्मीद है कि अब हमारा निगम पार्षद भी है और हमारा विधायक भी है तो हमें उम्मीद है कि अब हमारे कॉलोनी में काम होगा और नरेला विधानसभा में बहुत अच्छे काम होगा। एक चीज जो है कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, वो आधे घंटे मैक्सिमम खड़ी देखकर आधे घंटे आते हैं, पन्नी निकालकर नालियों से चले जाते हैं और इसके बाद वो मोबाइल छेड़ते रहते हैं। तो सबसे पहले उस कर्मचारी को आप शायद कीजिए हमारे कॉलोनियों से। और पीछे पार्क है, पीछे पार्क में पीछे हमारे गेट के पीछे एक रोड है, उस रोड पर हमारे पीछे पड़ोसी जो कॉलोनियां है उधर के आदमी हमारे कॉलोनियों में कॉलोनियों के पार्क के पास कूड़े फेंकते हैं जो कि बुरी हालत है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सब पर संज्ञान देते हुए और इस पर काम करें। अभी शपथ ग्रहण भी आपका नहीं हुआ है, 6 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएंगे और उम्मीद है कि आप हमें हमारी कॉलोनी वासियों को वार्ड नंबर 3 के जनताओं को कदमों पर खड़े उतरिएगा, वो मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा नमस्कार और नए साल का आप सभी को मुबारक हो नए साल, और आपका दिन पूरा साल भगवान आपको खुशियों से दे। आप लोगों ने जीता के मुझे यहाँ पहुँचाया है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है तो मैं भी आपका साथ दूंगी। जैसे कि आप यहाँ पर जो भी कार्य हैं चाहे MCD से हों चाहे DDA से हों, नाली का और रोड का पार्कों का जो भी कार्य होगा वो मैं आप लोगों के कार्य पूरे करूँगी। और जैसे पार्क यहाँ के पार्क हैं जो बिल्कुल ही टूटे फूटे हैं, नालियाँ हैं, ये हमने देख लिए हैं, सारा काम हम करके आपको देंगे। आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, हम आपका पूरा काम करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी फिनिशिंग हो जाएगी तारों से, जो हमारी विधायक जी से बात हुई है, आपकी सफाई और चार दीवारी लाइट वाइट जो भी खराब है आप एक बार रात को देख लेना कितनी लाइट खराब है, ठीक है? मेरे को लाइट बताना कितनी इसमें चस रही है कितनी नहीं चस रही, मैं फोन कर दूंगा पूरी लाइटों को ठीक करके चला जाएगा। देखिए आपको अच्छी तरह बता दूं, नया जो आप लोगों ने नेता बनाई ना आप लोगों के बीच में से ही है, हम तो चलो खिलाड़ी हैं, पूरा देश घूमे हैं, पूरी कंट्रिया घूमे हैं, लेकिन ये आपकी तरह मीडियम फैमिली से है, पार्टी ने इनको ये कार्यकर्ता थी इनको छोटा टिकट दे दिया और आप लोगों ने जिता दिया, तो कभी भी आप इनके पास जाए अपना फोन करके जाए कि हाँ लोगों ने समस्या बताई आपको आज जी जी तब तक जो है निवारण हो जाएगा इनकी समस्या। अब लोगों ने जो समस्याएं हमें बताई हैं उसका निवारण हम 6 तारीख को हमारी शपथ है, कम से कम 1 महीना तो हमें इसके लिए लगेगा,
तो काम ज्यादा है, टाइम कम है, तो इसीलिए हमें टाइम चाहिए। सबसे बड़ी समस्या सफाई की है, नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, पार्क गंद से भरे पड़े हैं, पार्कों की चारों दीवार टूटी फूटी पड़ी है, थोड़ा टाइम लगता है और काम सारा काम होगा, काम हम करने को तैयार हैं। जो जनता ने प्यार दिया उसका प्यार दिया, बिल्कुल जनता ने हमें प्यार दिया है, हम उसका पूरा भरोसा करेंगे कि हाँ काम करके देंगे जनता को। वार्ड नंबर 2 में आप लगातार कार्य कर रहे हैं, शपथ ग्रहण भी हुआ है और काफी लंबी समस्या थी जो सीवर लाइन और जो नाले जो ब्लॉक कर रहे, कार्य जो है वो सुचारू रूप से चालू किया गया, तो जो सफाई कर्मचारी नजर रहते थे वो सब खड़े दिखते हैं। देखिए पहले भी सफाई कर्मचारी काम करते थे, लेकिन जो बड़ी मशीनें मंगानी पड़ती हैं हमने मंगाई, प्रयास किया, हमने सरकार को बोला, सरकार ने बड़ी मशीनें भेजी, ये अपना अपना करने का नज़रिया अलग है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हमेशा काम करता रहा है और काम करता रहेगा। और जो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि हम दिल्ली को स्वस्थ बनाएं, साफ बनाएं, और जितना भी भाजपा ने गंद फैला रखा 15 साल तक उसको साफ कर पाए। कहीं ना कहीं जब आपकी बार जो राजनीति में बड़ा बदलाव आया दिल्ली नगर निगम में, दिल्ली की क्या जो रूपरेखा है वो बदल गई? जनता ने बदला है, जनता जिसको चाहेगी उसको बना देगी। जनता ने 15 साल तक देखा कि भाजपा सरकार ने पूरा MCD को ख़त्म कर दिया है, तो क्यों ना हम आम आदमी को भी MCD में लेके आए, जब आम आदमी की दिल्ली में सरकार है केजरीवाल की, और ईमानदार पार्टी सरकार है, कंटिन्यू काम कर रही है दिल्ली सरकार, MCD में भी ऐसे काम करेगी। और जितनी भी समस्या हैं साफ सफाई की, गली खड़ंजों की, विधायक भी हमारे और कौंसलर भी हमारे, तो मिलकर दोनों काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। नाम रुचिका है, मैं यही सेक्टर 5 में रहती हूँ, जनता कॉलोनी में। क्या लग रहा है जो नया मिश्रा जी आएंगे आपके यहाँ, तो क्या लग रहा है आपको, सफाई व्यवस्था जो खराब है आपके यहाँ पर ठीक हो पाएंगी? देखिए उम्मीद तो है, लेकिन जब अगर वो काम करके दिखाएंगी और जब उन्होंने कहा कि 4 महीने में हम कर देंगे ये सारा कुछ शपथ लेने के बाद, तब हम देखेंगे। हमारे यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, लोगों ने बताई होंगी आपको, जैसे कि पार्क नहीं है, पार्क यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, सफाई की समस्या है, सुरक्षा भी यहाँ पे बहुत कम है, तो ये सारी समस्या हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर हमारे लिए सब करेंगी, पर देखेंगे तभी जब ये काम हमारे हो जाएगा। मेरा नाम ब्रिजेश है। ब्रिजेश जी, आज आपकी निगम पार्षद है जो आज आई है जी, तो क्या लग रहा है आपने टाइम दिया है जो साफ सफाई जो व्यवस्था है अब ये आई, अभी इनका शपथ ग्रहण के बाद उम्मीद तो है कि काम करेंगी, और इसीलिए जनता ने इनको चुन के भेजा है। बाकी अब हम लोगों के साथ में देखो क्या होता है, अगर काम करें तो अच्छी बात है, उम्मीद। इससे पहले जो नेता थे तो कहाँ ये साफ सफाई, इतना तो हमें हुआ नहीं, मैं भी यहाँ आके मेरे को भी 7-8 महीने हो गए, सफाई वाले भी हैं उनको भी बोलो, वो भी ढंग से काम नहीं करते, जीना इना के वगैरह, जीना के नीचे दुनिया भर का कूड़ा पड़ा रहता है, सफाई नहीं है ढंग से होती है। अगर अब ये अब भाई नए ये हैं इनका जो आई हैं हमारी, क्या नाम है, निगम परिषद जो भी है दूसरी, अब ये कैसा काम करती है इनका शपथ ग्रहण के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि मैं भी कई बार यहाँ सफाई वालों को बोला, भाई साहब ये ऐसा सफाई कर लिया करो, सुनते ही ना है, नालियों में ये है। और इनसे ये भी ताके गए हैं कि मतलब एक एप्लीकेशन लिखना और हम आगे दिल्ली CM के लिए आप भेजो, तो उसको भी हम, मैंने बोला मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा और स्टाम्प लगवा के आगे भेजूंगा। अगर कभी बिल्डिंग से किसी कोई हादसा हो गया, कभी पत्थर ईंट गिरता है टूट के नीचे, कभी कुछ गिरता है, एक दिन 5 बजे मैं ड्यूटी से आ रहा था, मैंने देखा है ऊपर से 5-7 ईंट नीचे गिरी हुई आगे, अगर उस समय कोई बच्चा होता है या कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, कोई भी होता अदरवाइज, और कुछ भी हादसा हो सकता था, अगर 5-7 ईंट किसी के ऊपर गिर जाते तो वो तो एक्सपायरी था। बदलाव होगा, उम्मीद तो है कि बदलाव हो जाए, अच्छी बात है कि जो समस्याएं हमने इनको बताई हैं अगर वो समस्याएं सॉल्व हो जाए तो बढ़िया बात है। है 2-4 कमरे में आदमी आते हैं, बैठते हैं, दारू पीते हैं, जो अपने मर्जी करते हैं, और सब वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। अच्छा। यही बात, हम लोग सो नहीं पाते रात में, इतना शोर मचाते आके। पुलिस वाले नहीं आते? पुलिस वाले कोई नहीं आते यहाँ, बेट वाले कोई नहीं आते, कोई आते नहीं, पीछे कैमरा भी नहीं चालू है, कैमरा तो चालू करवाना चाहिए पीछे के, वो भी नहीं चालू है, अब गंद पड़ी तो हाई है, पीछे देखो जा कितने जुगिन वाले कूड़ा डाल के गए हैं, सारा कूड़ा पीछे ही पड़ो है गेट पे, इतना परेशानी हो रही है। जब नेहा मिश्रा जी आई है आपके आज, तो नेहा मिश्रा आपके निगम पार्षद है, वो आई है? हाँ हाँ, तो वही बात, काम होगा, अब काम हो जाए तो बढ़िया ही, हम तो कह रहे सबको करवा दे, अच्छी बात है, तो करवा कहाँ रहे हैं, करवाएंगे तो अच्छी बात है, यहाँ सुधर जाएगी कॉलोनी,
इतना इतना नाली पाली सब जाम पड़ी है, कहीं कोई जाता अपने आप निकालते हैं डर डर के हाथ। हमारे दरवाजे पे कोई जाता ही नहीं, हम अपने आप निकालते हैं, जब देखो तो अपने आप ही जुड़ते हैं संडे के संडे।